पूरी FIR करो, पूरा फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे, और सबके सबको सस्पेंड करो, इनको इनको तो टर्मिनेट करो और सबको सस्पेंड करो। छह जून के बाद से इस दफ्तर में क्या धंधा चल रहा है मेरे को बताओ। आम जनता की है, ये वर्कर के तलाबों की। छह जून के बाद इसमें कुछ नहीं हुआ, बिना कमीशन के ये लोग ये नहीं करते हैं। कितने एप्लीकेशन आ रही है नया कार्ड बनने की आपके पास? नहीं सर, एवरेज नहीं आ रही है, 1000-1500 ही आ रही है महीने में। हम कितना आउटपुट दे रहे हैं, कितना बना दे रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं सर, हमने लिंक अभी 14 जुलाई तक सब भेज दिए सर। सारे बना दे रहे हैं तो महीने में उतना कर दे रहे हैं। टेंडेंसी कितनी है अभी? टेंडेंसी सर अभी क्लेम का क्या स्टेटस है, 15 दिन में कितने क्लेम निकाले हैं आपने? 1000 सैंक्शन है, 72 एज ऑफ नाउ अंडर प्रोसेस। पिछले 15 दिन में आपने कितने क्लेम डिस्पोज ऑफ किए हैं? आपने कितनी पिछले 15 दिन में ऊपर सबमिट किए हैं पहले मुझे वो दिखाओ। 3-4-5 दिन 6 दिन कोई नहीं किया। आगे चलो, नीचे चलो। और तो ये तो कहीं रूल में है नहीं कि आप यूनियन के वर्कर्स से ले लोगे। 1-6 की डायरी है, मतलब ये 1-6 में आपके पास रिसीव होनी चाहिए। 20 जुलाई है, 1 जून को आपके पास एक एप्लीकेशन आई, ठीक है, तो अब तक किसी रजिस्टर में आ गई होगी। सामने वाला ये कहेगा मेरे को आके जी मैं आपके दफ्तर में देख के आया, उसका आपने रिसिप्ट दी हुई है, आपके रजिस्टर में किसी में दर्ज है ये एप्लीकेशन? 6 जून के बाद कोई एंट्री नहीं है तो ये आराम से करेंगे जब कमीशन मिल जाएगा। किस चीज़ का रजिस्टर है ये, क्या भरते हो इसमें, क्या लिखते हो इसमें, क्या लिखा जाता है? ये 6 जून के बाद इसमें कुछ नहीं हुआ है, ये किसकी राइट, इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ? पैसे खा खा के भरते हो? नहीं सर, नीचे स्टाफ नहीं। तो 6 जून के बाद आपका स्टाफ नहीं है आपके पास? नहीं, स्टाफ है सर। क्या बकवास कर रहे हो? 6 जून के बाद से इस दफ्तर में क्या धंधा चल रहा है मेरे को बताओ। और ये सारी एप्लीकेशन 18 मई की 1 जून की कहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास हैं? ये एक आध एप्लीकेशन होती तो मैं मान लेता जी रह गई है, आपके पास में सारा का सारा बंडल रखे हुए हैं बिना रजिस्टर की गई एप्लीकेशन के। 6 तारीख के बाद आप पैसे खा खा के रजिस्टर करते हो, फिर क्यों नहीं हुई? आपने अपने सीनियर अफसर को बोला जी आज मेरे पास में 40 क्लेम आए, बोला आपके पास में रिकॉर्ड में दिया सरकार के हैं। अब ये 40 का फिगर आपके पास कहाँ से आया, कौन से रजिस्टर से उठा के दिया मेरे को वो रजिस्टर का नंबर दे दो। मैं बता रहा हूँ आपको, इन दफ्तरों में चल क्या रहा है, इन्हीं के दलाल ये नोट शीट भी वहीं से टाइप करके लाते हैं, ये चल रहा है आपके दफ्तरों में। मेरे को बहुत लोग आकर शिकायत कर रहे थे कि आपके इस दफ्तर में कमीशन चल रहा है और 30% मांगा जा रहा है कमीशन। 6 जून से आपके यहाँ दफ्तर में आपके पास में अनसाइंड नोट शीट्स की फाइल बनी पड़ी है जिनका कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ है इसका रिकॉर्ड, फाइल कैसे बन गई है? इनके जितने भी नीचे का स्टाफ है सबको बुला लो यहाँ पे, सब टोटल। मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि 17 जुलाई को 3 दिन पहले आई हुई फाइल आपके दफ्तर में प्रोसेस होकर पड़ी हुई है और 4-3 महीने पुरानी फाइलें बंडल के बंडल बन के अनअकाउंटेड पड़े हुए हैं जिनका ना कहीं कोई हिसाब किताब है आपके पास, इसको एक्सप्लेन कर दो मेरे को। ये आम जनता के हैं, ये वर्कर के दलालों के, वो दलाल इनकी नोट शीट बना के लाता है। हम लोगों का मतलब क्या होता है, तुम्हारा है किसी और का? आपका है ना, ये राइटिंग आपकी है, फिर पता क्यों नहीं रहो कि ये इतनी जल्दी से फाइल कैसे बन गई और दूसरी फाइलें पुरानी कैसे नहीं बन पुरानी? ये सिंपल करप्शन है और बिना कमीशन के ये लोग ये नहीं करते हैं। मेरे को लोगों ने आके शिकायत की, मैंने नाम पूछे कि भाई कौन ऑफिसर है, मेरे को नाम पता था इनका सबका पहले से, इसीलिए मैं इस दफ्तर में आया हूँ। और मेरे को तो मुडो सबरेंडी बताया, ये लोग नहीं बनाते, इनकी हैंडराइटिंग मिला लेना, ये सारी नोट शीट कहीं से कोई दलाल बनाता है, बनी बनाई नोट शीट पे ये लोग साइन करते हैं। ये जितनी बिना नोट शीट वाली एप्लीकेशन है जनता की एप्लीकेशन, सारा प्रोसीजर सेट हो जाए और इनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, पूरे टीम ऊपर स्टॉप टू बॉटम, पूरी FIR करो, पूरा फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे, और सबके सबको सस्पेंड करो, इनको इनको तो टर्मिनेट करो और सबको सस्पेंड करो और इनके खिलाफ भी एक्शन लो। ये सब ऑफिस का धंधा बना रखा है इन लोगों ने, 24 घंटे काम करो, 48 घंटे काम करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, ये जो धंधा बना रखा है इसको बंद चाहिए मेरे को। आओ भाई SHO साहब इधर आओ, क्या है इनके पास ये? सर लेबर कार्ड के लिए पेपर। ये लेबर कार्ड के पेपर आपके पास कैसे हैं? बैग में से तो कई सारे लोगों के लेबर कार्ड है, एक तो नहीं है, ये पूरा डिटेल है। पुलिस वाले कहाँ हैं, आपका एरिया है ना? मेरा टीचर आपको पास। हाँ जी, राम कुमार जी, यहाँ पे पूरा दलाली का धंधा चलता है और मुझे शक है इस बात का पूरा कि गरीब आदमी जिसको सरकार पैसा देना चाहती है यहाँ पे उसका दलाल खाते हैं, ठीक है, इनको रिकॉर्ड में लीजिए, ये दलाल के कागज़ हैं, ठीक है, इसको आप सीज करो।